वही डेफिनेशन हमारे पास आ गई लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन में अ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और स्क्वेयर रूट ऑफ अ वेरिएबल। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट और स्क्वेयर रूट जो है वो लीनियर इक्वेशन में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑल द वेरिएबल्स अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड डू नॉट अपीयर एज आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपीयर ना हो, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में अपीयर हो। जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताई थी वो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस अप टू प्लस ए एन एक्स एन इज इक्वल टू बी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हम वाई 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 एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम उसी को जनरलाइज कर रहे हैं उसी की फॉर्म में। और अगर आप हमने बेसिकली आपको उसको भी डिस्कस करें तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स की पावर वन से, हम एक्स की पावर स्क्वेयर क्यूबिक में नहीं जाए क्योंकि वो नॉन लीनियर फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसी को आगे फर्दर जो है the following equation are also linear. क्यों लीनियर है? क्योंकि कोई भी x की जो पावर है वो लीनियर जो है वो नहीं है, सारी की सारी लीनियर है। x की पावर जो वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं वो पावर वन के साथ है y, और कहीं पे वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीपल पे नहीं आ रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x1, x2, x3, x4 चार वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, तमाम की जो पावर है वो वन वन है, कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं है, तो ये भी हमारे पास लीनियर है। इसी तरह थर्ड भी लीनियर है, इसी तरह फोर्थ भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ रही है। The equation 3x1 minus 3, 2x2 is equal to x1, x2. अब यहाँ पे x1, x2 जो है ये मल्टीपल में आ गए तो ये अब लीनियर नहीं होंगे, इसकी वजह से ये लीनियर नहीं रहे। और इस इक्वेशन में x की पावर जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गई, इसलिए ये लीनियर नहीं है, तो इसको हम नॉन लीनियर कहेंगे। आर नॉट लीनियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ x1, x2 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड अंडर रूट x1 इन द सेकेंड इक्वेशन। होमोजीनियस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन अभी मैंने लिखा ए वन एक्स प्लस ए एक्स टू ए एक्स थ्री इज इक्वल टू बी। अब हमारे पास बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये जो मैंने अभी आपको लिखी थी ए वन एक्स ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये बेसिकली हमारे पास है टू द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। हम फर्दर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स नोटेशन में कि ए को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, एक्स वेरिएबल अननोन है और बी इक्वालिटी वेक्टर है। अब जब ये बी जो है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है, बी जब जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्योंकि ये इक्वेशन सारी की सारी लीनियर फॉर्म में है तो इसलिए ये इक्वेशन है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। So in this, in the special case, if b is equal to 0, जो कि null हो जाए, 0 हो जाए, has the form a1x1 plus a2x2 plus up to anxn is equal to 0, this equation is called homogeneous linear equation, इसलिए क्योंकि हमारे पास b जो है वो 0 हो चुका है और क्योंकि ये equation linear है तो इसलिए ये equation क्या कहलाएगी, homogeneous linear equation। अब इसी तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अ फाइनाइट सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और अ लीनियर सिस्टम। द वेरिएबल्स इन द लीनियर सिस्टम आर कॉल्ड अननोन। जब भी हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, एक से ज्यादा इक्वेशन सेम वेरिएबल्स के अपीयर हो जाए तो हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। अब वो सारी की सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होंगी तो हम उन तमाम को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल में गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो है दो इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तीन है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा इन टर्म ऑफ x1 x2 x3 वेरिएबल, और इसमें इक्वेशंस दो आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर टू। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होती है तो हम उसको स्क्वेयर सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा वो हमारे पास स्क्वेयर सिस्टम कहलाता है। और जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर नहीं होती
तो उसको हम रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है सिस्टम, ये एक जो सिस्टम है ये एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो बराबर नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम में हमारे पास है अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इज द अननोन x1 x2 अप टू xn इन द सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स s1 s2 s3 अप टू sn such that when substituted for x1 x2 xn respectively makes every equation the system a true statement। जब भी हम हमने s1 s2 अप टू sn को सॉल्यूशन कहा है, ये s1 सॉल्यूशन है x1 का, ये s2 सॉल्यूशन है x2 का, ये sn सॉल्यूशन है xn का। ये सॉल्यूशन सेट उस वक्त कहलाएगा कि जब हम x1 अननोन्स की जगह पे ये वैल्यूज को पुट अप करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, देन वी से दैट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन s1 s2 ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तब हम कहेंगे कि ये तमाम का तमाम हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है। अब जैसे कि यहाँ पे अब दो सिस्टम गिवन है, दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, हमने a1 और a1 a2 a1 और a1 और b1 की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है, सॉल्यूशन सेट आ गया, और या ये a1 जी आर्क के व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन आर्क के वी गेट अ लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे मैंने a1x + b1y = c1, a1x + b1 = c2, इसी को हम लिख सकते हैं a1x1 + a2x2 = c1। अगर ये प्लेन की होती, थ्री आर क्यूब की होती तो a1x + a2x2 + a3x3 = c की फॉर्म में हमारे पास ये गिवन होती। अब इसी सॉल्यूशन को हम जो है उसे जनरलाइज करते हैं, द ग्राफ ऑफ दीस इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने पहले बताया इन एक्स वाई प्लेन, सो द सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ दिस सिस्टम इज इन फैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस लाइंस, जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। इसी को हम जो है वो ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफ के जरिए दो लाइंस का सॉल्यूशन को हम जो है वो रीड करते हैं, जिसमें फर्दर पॉसिबिलिटीज है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं भी करेंगी, हो सकता है लाइन जो है ओवरलैप्ड हो, तो उनको फर्दर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। नोट दैट देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, जैसे मैंने पहले बताया। नंबर वन पॉसिबिलिटी क्या है, द लाइन मे बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट इन विच केस देयर इज नो इंटरसेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली नो सॉल्यूशन। जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। द लाइंस मे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट इन विच केस द सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, तो उस केस को हम कहेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मींस जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो यूनिकली होगा, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन, द लाइंस मे कोइंसाइड इन विच केस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट्स ऑफ द कॉमन लाइन और कॉन्सिक्वेंटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप हमारे पास जो है वो लाइन हो, सॉल्यूशन, तो उस केस को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ आर स्क्वायर जो है दो वेरिएबल की फॉर्म में, दो इक्वेशन में, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन ही दो ही पॉसिबिलिटी है। वो दो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दूसरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन जो है वो होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन की दो ही पॉसिबिलिटीज है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट के मुतालिक सॉल्यूशन सेट में, और नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होगा।
और अगर सोल्यूशन होगा तब भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या सोल्यूशन यूनिक होगा और या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज हैं, या सोल्यूशन नहीं होगा या सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा तो फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। सो इसी को हम फिर जनरलाइज्ड डेफिनेशन में लिखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट।